हाँ जी गुड नमस्कार मॉर्निंग जी सर। साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो आज हम लोग एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, तीसरा पाठ बहुपद, और इसका एक्सरसाइज 3.2 देखने वाले हैं। तो अगर आप सबके पास किताब होगा तो आप किताब पे बने रहिएगा, 99% आप लोगों के पास जरूर किताब होगा, किताब पे बने रहिएगा, उसके सहयोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जिन बच्चों को कोई भी डाउट होगा तो प्लीज उसमें आप लास्ट में मोड़ पे जा करके हैंड रेज कीजिएगा और उसके अनुसार अपने प्रश्न पूछिएगा। और उसके अलावा जिनको कोई डाउट नहीं होगा अपना मोबाइल में उसको म्यूट करके रखिएगा, हमेशा म्यूट करके रखने की कोशिश कीजिए। वीडियो आप चालू रखिए लेकिन साउंड आप म्यूट करके रखिए, जैसे ही आपको कुछ पूछना हो आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, तो पहला तीसरा पार्ट हम लोग बहुपद देख रहे हैं। पेज नंबर अगर आप किताब में बने हो तो पेज नंबर आपको 43 देखना है, पेज नंबर 43। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको देखना है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ कि हम लोग ने इससे पहले क्या पढ़ा है। इस पाठ में आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हो कि बहुपद मतलब होता क्या है, कि अगर कोई वैजिक व्यंजक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उसमें जो चरांक है उसका घात, याद रखिए वैजिक व्यंजक बहुपद है या नहीं यह डिसाइड करने वाला मुख्य घटक क्या है, जो चरांक होता है उसका घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पिछले पाठ में हम लोग ने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था, उसमें अलग अलग प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें से एक प्रकार था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक, अर्थात उसमें कोई दशमलव वाला नंबर नहीं रहेगा, कोई बट्टे वाला नंबर नहीं रहेगा, कोई कड़ी वाला नंबर नहीं रहेगा, सिर्फ सभी धनात्मक संख्याएं और जीरो। जैसे कि आपको एक उदाहरण मैं ले रहा हूं कि जैसे मैं कहूं 5x3 -4x2 -2, या मैं कहूं यहाँ पे -2, कुछ भी चेंजेस किया जा सकता है। ये एक नजरिए से एक वैजिक व्यंजक है, एक नजरिए से एक वैजिक व्यंजक है, लेकिन ये वैजिक व्यंजक को हम बहुपद कब बोल सकते हैं उसके लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो है ये चरांक है इसका, ठीक है, ये इसका चरांक है, यहाँ पे भी चरांक है, आपको इस चरांक का घात को नोटिस करना है। याद रखो इस चरांक के घात को नोटिस करना है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो चरांक है ही नहीं, तो आपको याद रखना है कि अगर हम यही चरांक यहां भी लिख दें और उसका घात 0 लिख दें, इस पूरे का मतलब क्या होता है? यस, कोई बच्चा बताएगा x घात पे 0 का मतलब क्या होगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, नहीं और सोचो किसी का भी घात 0 होने का मतलब क्या होता है? 0, 0। जी नहीं, और कोई, किसी भी संख्या, किसी भी अक्षर, किसी भी कॉम्बिनेशन का घात अगर आप 0 लिख देते हो उसका मान 1 होता है, ठीक है, हमेशा किसी के भी घात पे अगर 0 है तो उस पूरे का मान 1 होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले मैं यहाँ x घात पे 0 लिख रहा हूं, अल्टीमेटली मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, 2 × 1, और 2 × 1 का मतलब 2 ही होता है, इसलिए हम x घात पे 0 लिख सकते हैं। तो अब आपको ये नोटिस करना है कि ये जो चरांक है इस चरांक का घात क्या है, यहाँ पे चरांक का घात 3, क्या ये पूर्ण संख्या है बच्चों? यहाँ पे चरांक का घात 2, मतलब ये भी पूर्ण संख्या हुआ,
यहाँ पे चरान का घात जीरो, वो भी तो पूर्ण संख्या हुआ। मतलब हम ये देख रहे हैं ये एक ऐसा बाह्यिक व्यंजक है जिसमें चरान के घात एक पूर्ण संख्या है, तब हम इसको बोलते हैं बहुपद। ठीक है, ध्यान रखो इसको हम बोलते हैं बहुपद। और इसमें इस बहुपद में यहाँ पे जो चर ये जो अक्षर है ना, अक्षर को हम चरांक बोलते हैं, चरांक के बगल में यहाँ पे गुणे का संबंध है, याद रखो। और इस गुणे के संबंध के बगल में जो नंबर है, गुणे के संबंध के बगल में जो नंबर है, इस नंबर को बोला जाता है उस चरांक का सह गुणांक, या केवल कह सकते हो गुणांक। ठीक है, सह गुणांक या गुणांक। जैसे यहां पे इसका गुणांक क्या होगा, ऋण चार। वैसे ही और कुछ उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे मैं कहूं 3/2 वाई घाते 5, ऋण कर्णी में 2 वाई घाते 3 धन 4.3 वाई। एक मैंने इस तरह से व्यंजक लिखा है, और एक दूसरा व्यंजक मैं लिख रहा हूं 2x/3 ऋण 1/x धन 2 3/2। अब आपको यह समझना है कि इसमें यह बहुपद है, यह बहुपद है या नहीं। तो ध्यान दो, आपको कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है, मैंने बहुपद की पहचान आपको क्या बताया, चरांक का घातांक देखो, चरांक का घात देखो, चरांक का घात देखो, और वो होना क्या चाहिए, एक पूर्ण संख्या। देखिए कभी कभी आप इस झांसे में आ जाते हो, आप चरांक का गुणांक देखने लगते हो, गुणांक पे आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, याद रखो। जब आपको बहुपद डिसाइड करना है उसके लिए गुणांक पे नहीं कॉन्सेंट्रेट करना है, बल्कि घातांक पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि घातांक क्या है, यहाँ पे इसका घातांक क्या है, यहाँ पे इसका घातांक आपको दिख रहा है कुछ, यहाँ इसका घात क्या है, कोई बच्चा बताएगा यहाँ इसका घात क्या है, एक। वेरी गुड, यहाँ नहीं दिख रहा है मतलब एक है, याद रखो नहीं दिख रहा है मतलब एक है, यहाँ पे देखो चरांक ही नहीं दिख रहा था, जब चरांक ही नहीं दिख रहा था इसका मतलब वहां उसका घात जीरो है, लेकिन चरांक है और घात नहीं है, इसका मतलब वहां घात क्या है, एक है। ठीक है, तो आपको ये नोटिस करना है कि घातांक कैसा है, और आप देखोगे तो इसका घात एक पूर्ण संख्या है, जबकि गुणांक, गुणांक देखो यहाँ बटे में है, यहाँ कर्णी में है, यहाँ दशमलव में है, उससे हमें मतलब नहीं। अगर बहुपद पहचानना है उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ घात पे विचार करने की जरूरत है, और घात हम देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी आपका बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है। चलो इस पे विचार करते हैं, इसकी क्या स्थिति है। यहां आप देखोगे चरांक का घात 3 है, अच्छी बात है। यहां आपको कंफ्यूजन हो रहा है, यहां चरांक का घात कितना है, एक। यस, वेरी गुड, अर्जुन ने मेरे ख्याल से जवाब दिया है, ओके वेरी गुड, यहां चरांक का घात 1 है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि चरांक ऊपर रहेगा तब हम विचार करते हैं, यहां चरांक नीचे है, इस चरांक को ऊपर हम ले जाएंगे तो x घाते कितना हो जाएगा, आपको साथियों ने सिखाया गया है घातांक के बारे में, हाँ जी ऋण 1। ठीक है, जब घात को नीचे धन में है और हम ऊपर उसको ले जाते हैं तो घातांक ऋणात्मक हो जाता है, या अगर नीचे ऋण है ऊपर ले जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा, तो धन 3x/3/2। अब आप नोटिस करोगे कि यहाँ घात इसका 3 है, यहाँ इसका घात 1 है, और यहाँ इसका घात 3/2 है। आपको क्या ध्यान देना है कि घात तो यहाँ ओके है, ये उस कसौटी को पूरा कर रहा है कि पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन ये क्या ये पूर्ण संख्या है,
नहीं है, ये पूर्णांक संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वेरी गुड। तो देखो कोई एक जगह भी अगर गड़बड़ हो रहा है, एक एक घटक भी, एक पद भी अगर उसका संख्या को पूरा नहीं कर रहा है, हम इसको बहुपद नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि इसको हम बहुपद नहीं कह सकते हैं। इतनी जानकारी के आधार पर अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के सवाल पर ध्यान देंगे। एक्सरसाइज 3.2 के सवाल पर ध्यान देते हैं। आपको दूसरा सवाल, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर दूसरा, आपको कुछ बहुपद दिए गए हैं, उन बहुपदों को जोड़ना है। बहुपदों को जोड़िए, ठीक है, इन बहुपदों को जोड़िए। अब आपको प्रश्न क्या है, आपके सामने प्रश्न होगा, x का घन ऋण 2x का वर्ग ऋण 9, एक बहुपद ये है। एक दूसरा बहुपद है 5x का घन धन 9, ये आपके सामने दो बहुपद है, इन दोनों बहुपदों को जोड़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि आपके पास जो दो बहुपद है बीच में कॉमा लगा है, इस कॉमा से हमें यह पता चलता है कि एक अलग बहुपद है, ये एक अलग बहुपद है, इनको जोड़ना है। जोड़ना का सिंपली मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जोड़ना का सिर्फ मतलब इतना होता है कि बीच में उस कॉमा की जगह पे हम धन का चिन्ह लगा देंगे। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अगर शब्द लिखा है जोड़िए, इस जोड़िए का तात्पर्य इतना होता है कि बीच में आपको योगफल का चिन्ह या धन का चिन्ह हम दिखा देते हैं, बाकी उस बहुपद में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अब अगला स्टेप क्या होगा उस पर विचार करते हैं। फिर से आपको वापस से यही चीज लिखना है लेकिन बिना कोष्टक का, ध्यान रखिए बिना कोष्टक का। अब बिना कोष्टक का लिखने का नियम क्या है कि अगर बाहर धन है, उस चिन्ह का गुणा अंदर जो भी है उन चिन्हों के साथ होगा। और नियम यह है, धन का गुणा अगर धन में होगा तो धन ही रहेगा, धन का गुणा ऋण में होगा तो ऋण हो जाएगा। मतलब ये कि धन का गुणा करने से इन चिन्हों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इन चिन्हों में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो हम फिर से यही सब लिख रहे हैं, धन का गुणा करने से कोई बदलाव नहीं आएगा, मतलब अब हम ये जोड़ने वाली बात पे विचार नहीं कर रहे हैं, जोड़ने वाली बात यहाँ खत्म हो गई। अब क्या हो रहा है, ये जो भी है इसका गुणा इन सब में हो रहा है, मतलब धन का गुणा इन सब में होगा तो चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा, जिसका चिन्ह जैसा है आपको वैसा ही लिखना है। क्लियर, इनमें किसी स्टेप में आपको कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछिए, क्योंकि पूरा सवाल होने के बाद आपके लिए पूछना भी कंफ्यूजिंग होगा, मेरे लिए बताना भी मुश्किल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको यहाँ बाहर कोष्टक के बाहर धन है इसलिए चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा। अगला स्टेप, अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से एक इंपॉर्टेंट स्टेप आपके सामने आ रहा है कि इसके बाद क्या करना है। सजातीय को एक साथ लिखना है। सजातीय मतलब एक जिसका घात एक जैसा। हाँ जी, वेरी गुड, जिसका घात समान हो। जैसे यहाँ अगर आप नोटिस करोगे ये जो पद है, ये जो पद है इसका भाई बंधु कहीं है इस रास्ते में, हाँ, पांच एक्स घाते तीन, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे एक्स घात का घात तीन,
यहाँ पे भी x का घात 3, ये दोनों भाई बंधु हो गए, ये दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। और एक बेहतर आइडिया हमेशा ये होता है कि बड़ा घात वाले को पहले लिखो और छोटे घात वाले को उसके बाद, मतलब कि हम अवरोही क्रम में लिखते हैं, या उसको हम कह सकते हैं हम मानक रूप में लिखते हैं, ज्यादा बेहतर आगे के लिए रहेगा। यहाँ पे x घात पे 3, ठीक है, घन 5x का घन हो गया, दोनों को साथ में लिखे। हाँ, साथ में लिखते समय एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे गलती क्या होती है कि ये वाला पद यहाँ लिखे उसके बाद ये वाला चिन्ह यहाँ लगा देते हो, वो गलत हो जाएगा। ये चिन्ह इसका है तो इसको तो हम लिख नहीं रहे हैं, इसका चिन्ह हम कैसे ला सकते हैं, हम तो इसको लिख रहे हैं ना, ये पूरा पद यहाँ लिखना है तो वो अपने चिन्ह के साथ ले आए, ठीक है। इसके बाद अब घाते तीन वाला तो और कोई नहीं है, अगर और कोई रास्ते में दिखा तो उसको भी पकड़ ला, संकोच कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है, अपने हाथ में पूरा कंट्रोल है, पकड़ के लाके लिख दो। कोई है घाते दो वाला और कोई दिख रहा है? नहीं नहीं, घाते दो वाला नहीं है, घाते दो वाला यहाँ है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे ऋण 2x का वर्ग वर्ग, कोई इसका भाई बंधु यहाँ है रास्ते में? नहीं। याद रखिए घात को देखना है, नहीं तो गलती से गुणांक देख लोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ है। घाते दो, घाते एक का नंबर लगता है, कोई है यहाँ घाते एक वाला? ये देखो ये जो नंबर है आपको यहाँ घात नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया यहाँ पे घात मेंशन नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे घात क्या है, एक, तो आपको इसको लिखना है लेकिन उसके चिन्ह के साथ में, धन दो, घात दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ओके। अब इसके बाद घाते एक के बाद किसका नंबर लगेगा? घाते घाते जीरो वाला को ही हम अचर पद भी बोलते हैं, ठीक है। अचर पद मतलब जिसमें चरांक ना हो, तो कौन कौन से हैं यहाँ पर? एक ऋण है और दूसरा कौन है? धन नौ, ऋण नौ धन नौ, ओके। तो हम लोग इस स्टेप को फिर से एक बार कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि ये अगेन एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ हम पदों को रीसफल कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, कि हमने क्या ध्यान दिया, जिनका घात समान है ऐसे पदों को हमने एक साथ में लिखा, जिनका घात वाला कोई और भाई बंधु नहीं है उनको अकेला वैसा का वैसा लिख दिया। पर ध्यान ये देना, ऐसा लिखते समय किसी पद को छोड़ मत देना, नहीं तो आगे का स्टेप आपका गलत हो जाएगा। जैसे अगर आप नोटिस करोगे 1 2 3 4 5 6 छह पद है यहाँ पे, इसके ऊपर वाले स्टेप में 1 2 3 4 5 6 मतलब कोई छोटा नहीं है, ओके। अब आपको क्या करना है, तो समान घात वाले हैं जिनको हम बोलते हैं सजातीय, सजाती जोड़ा घटाया जा सकता है, है ना। लेकिन जोड़ने घटाने में क्या नियम ध्यान रखना होता है, दो बातें ध्यान रखना है, कौन सी दो बातें हैं? कि घात वही रहना चाहिए, अफकोर्स तभी तो उनको जोड़ सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं, वो तो पहली कसौटी हो गया। और चिन्ह क्या? हाँ चिन्ह के उसके साथ, हाँ जी हाँ जी, चिन्ह ध्यान देना होता है, दोनों चिन्ह अगर समान है तो जोड़ना होगा, चिन्ह अगर अलग अलग है तो घटाना होगा, और जोड़ते घटाते किसको है? गुणांक को। वेरी गुड, नहीं तो पता चला आप घात को जोड़ने लगे गड़बड़ हो जाएगा,
गुणांक को जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाँ। यहाँ पे गुणांक क्या है? एक। वेरी गुड। यहाँ पे गुणांक नहीं दिख रहा है, मतलब एक है। एक। यहाँ पे गुणांक पांच है, तो पांच और एक जोड़ोगे तो कितना आएगा? छह। और जोड़ने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है? बड़े वाले का चिन्ह, बड़ा वाला क्या है? प्लस। इसका चिन्ह क्या आएगा? प्लस। और x घात से तीन। देखो ये घात को मत जोड़ देना, घात एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब इसके बारे में विचार करते, इसका कोई भाई बंधु है? नहीं है। भाई बंधु इन सेंस इसका कोई सजाती नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका कोई भाई बंधु है? नहीं है। को भी ऐसे ही लिख देंगे। और इन दोनों का क्या हाल चाल है? माइनस का। ये तो दोनों सजाती है ना, लेकिन चिन्ह अलग अलग है। चिन्ह अलग अलग है तो क्या करोगे? घटा दोगे। और क्या उत्तर आएगा? जीरो। जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता, तो आप चाहे धन लगाओ चाहे ऋण। हाँ, उसके बाद आपको एक स्टेप और लिखना होगा। जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जीरो जोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका अल्टीमेट आंसर क्या हो जाएगा? ये पूरा, ठीक है। हाँ, तो दो बहुपदों को जोड़ना मतलब आपको क्लियर हुआ बात, जोड़ना मतलब सिर्फ बीच में प्लस की साइन आ जाएगी, उसके बाद की प्रक्रिया उसके अनुसार होगा। बाहर प्लस है तो चिन्ह में बदलाव नहीं होगा। उसके बाद सजाती को हम एक साथ लिखते हैं, उसके बाद जो सजाती है अगर चिन्ह समान है तो जोड़ देंगे, चिन्ह अलग अलग है तो घटा देंगे, और बड़े वाले का चिन्ह लगा देंगे। किसी को किसी स्टेप में कंफ्यूजन है तो इमीडिएटली पूछो। ओके बच्चों, जिसके यहाँ जिसको पूछना नहीं अपना माइक म्यूट करके रखो। ओके तो मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर। ओके हाँ सर। इसके बाद हम इसी प्रकार का एक सवाल और ले रहे हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ऋण सात यम घाते चार, धन पांच यम घाते तीन, धन कड़ी में दो। एक बहुपद यहां है और एक दूसरा बहुपद है पांच यम घाते चार, ऋण तीन यम घाते तीन, धन दो यम का वर्ग, धन तीन यम, ऋण छ। ठीक है, आपको ये दो बहुपद है, प्रश्न महत्वपूर्ण है इन दोनों बहुपदों को जोड़ना है। ठीक है, तो पहला काम क्या है? इन बहुपदों को हम एज इट इज लिखते हैं ब्रैकेट में। हाँ जी, ब्रैकेट लगा के, यहाँ ब्रैकेट लगा दिए, और इस कॉमा के बदले में हम धन चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जोड़ना है। जोड़ना है, वेरी गुड। ओके हाँ, सौरभ दास आपको कुछ पूछना है बेटा? अगर पूछना है तो पूछो, नहीं तो हाथ नीचे करो, क्योंकि अभी तो मैंने समझाना शुरू किया है। ओके वेरी गुड, नहीं पूछना रहता तो हाथ नीचे कर लिया करो। ओके आप, यहाँ दो बहुपद है, दोनों को जोड़ना है, तो हमने कौन सा चिन्ह लगाया? प्लस का चिन्ह। अब इसके बाद क्या लिखना है? फिर से सारी चीजें लिखना है, लेकिन बिना ब्रैकेट के। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्लस का चिन्ह होने से चिन्ह आगे वाले जो कोष्टक है उसके चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा। और यहाँ पे ऋण है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे अक्सर गलतियां होती है ऐसे सवालों में कि पता चला तुम ऊपर ऋण को ध्यान ही नहीं दिए। जी सर। ये आपका पहला बहुपद हो गया, और उसके बाद ये लिखना है इसके चिन्ह, ये वाला चिन्ह को अभी नहीं ध्यान देना है कि धन लगा दो, अगर यहाँ ऋण होगा तो ऋण लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ धन है तो धन लगाना है, धन पांच यम घाते चार, क्योंकि मैंने बताया कि अगर बाहर धन का चिन्ह है उसकी वजह से कोई चिन्ह में बदलाव नहीं होगा।
ऋण 3 m का घन, धन 2 m का वर्ग, धन 3 m, ऋण 6। क्लियर। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण स्टेप है वो क्या है? इसके बाद का स्टेप क्या है बच्चों? जोड़िया को एक लाइन करना। हाँ जी, सजातीय को एक साथ लिखना है, लेकिन उसमें भी ध्यान नहीं देना है, हाथ वाला पहले लिखते हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि तो अपने आप को मानक रूप में हो जाएगा। तो ऋण 7 m घाते 4, यही सबसे बड़ा घात है, घाते 4। और इसका कोई जोड़ी वाला है यहाँ रास्ते में? हाँ सर। हाँ सर, 5 m घाते 4। और कोई है रास्ते में? ओके, फिर इसके बाद हम आगे बात क्या ध्यान देते हैं, घाते 4 के बाद घाते 3 वाला, और वो यहाँ पर कौन है? 5 m घाते 3 और -3 m घाते 3। ओके, और कोई नहीं। इसके बाद घाते 2 वाला ध्यान दो, बहुत ध्यान से ढूंढो कहाँ है छिपा घाते 2 वाला। देखो ये यहाँ पे बैठा है, इसको छिपने मत दो, पकड़ करके लाओ, छूट जाएगा तो गायब हो जाएगा और आपको गलत कर जाएगा। घाते 2 के बाद घाते 1 वाला, घाते 1 वाला, घाते 1 वाला, घाते 1 वाला, घाते 1 वाला किधर है भाई? ये देखो धन 3 है ना वहाँ। देखो क्या है, घाते 1 आप ढूंढोगे दिखेगा नहीं, आपको देखना है कि जहाँ अच्छर है पर घात नहीं है, मतलब वो घाते 1 वाला है। ओके, इसके बाद घाते 0 वाला मतलब अचर पद, और अचर पद आपका एक यहाँ है बैठा और एक यहाँ है, दोनों को लिखना है। दोनों में से जरूरी नहीं कि पहले इसको लिखो कि पहले इसको लिखो, कौन सा भी पहले लिख सकते हो। कड़ी में 2, कड़ी में 2, ऋण 6। ओके, अब आपको नोटिस ये करना है कि जो सजाती है उनको अगर चिन्ह समान है तो जोड़ देना है, अलग अलग है तो घटा देना है। यहाँ अगर आप नोटिस करोगे दोनों का चिन्ह अलग अलग है, धन ऋण ऋण होता है, मतलब हमें घटाना है, गुणांक को घटाना है। 7 में से 5 घटाओगे 2, यम घाते 4। लेकिन एक बात और ध्यान देना है जोड़ने घटाने के बाद, ऋण का साइन आएगा। हाँ जी, बड़े वाले का चिन्ह आएगा, बड़ा वाला यहाँ क्या है? ऋण। ऋण ठीक है, बड़ा वाला क्या है? ऋण। इसलिए चिन्ह क्या आएगा? ऋण। उसके बाद यहाँ इस पर विचार करते हैं, यहाँ पर अगेन आप नोटिस करोगे तो चिन्ह कैसा है? असमान है, चिन्ह अलग अलग है या असमान है। जिसे हमें घटाने की प्रक्रिया करना होगा, 5 में 3 घटाओगे 2, यम घाते 3 और प्लस आएगा। हाँ, बड़े वाले का चिन्ह मतलब यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ मत दिखा देना प्लस, यहाँ चिन्ह आएगा। ठीक है, इसका क्या करूँ? इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे ही लिख दो। ठीक है, 2 m का वर्ग, इसका क्या होगा? वो भी वैसे ही आएगा, क्योंकि इसका भी कोई भाई बंधु यहाँ नहीं है। अब इसके बारे में जरा विचार करो, क्योंकि ये कभी कभी आपको तकलीफ दे देता है जब खुद से करने लगते हो तो। का क्या करो, है तो दोनों सजाती, दोनों है तो सजाती। हाँ जी, हाँ श्रद्धा बोलो, श्रद्धा बोलो, इसका क्या कर सकते हैं? इनको भी वैसे लिखते भी। हाँ वेरी गुड, नहीं तो पता चला 2, 6 में 2 घटा के 4 लिख दिए, नहीं पॉसिबल है। एक कर्ली वाला है, एक बिना कर्ली वाला है, उनका गुणा भाग हो सकता है लेकिन जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है। कर्ली का जोड़ घटाना आपको एक्सरसाइज 2.3 में सिखाया हूँ, सजातीय कर्लियों को ही जोड़ा घटाया जा सकता है। तो फिलहाल इसको वैसे ही लिख सकते हो। ठीक है,
पर्डी में दो ऋण तीन, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। एक। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हाथ उठा के प्रश्न आप कर सकते हो, बीच बीच में आप बोलिए मत, जिसको पूछना है सिर्फ वो हाथ उठाएगा और उसी का वही प्रश्न पूछेगा। ओके, तो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है हाथ उठाओ, उसके बाद प्रश्न आप मैं जब पूछ सकते हो। ओके, आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि किसी का हाथ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, हम अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, हमारा अगला प्रश्न आ रहा है क्वेश्चन नंबर तीन, लगभग एक ही जैसा सवाल है, सिर्फ एक स्टेप का आपको चेंजेस मिलेगा, इसलिए आपको अगर पिछला सवाल समझ में आया है तो आपके लिए बहुत आसान होगा। प्रश्न है कि निम्न पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाओ, पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाओ। प्रश्न पे ध्यान दो, आपको प्रश्न क्या है, एक्स का वर्ग ऋण नौ एक्स धन कर्णी में तीन, एक बहुपद ए है और दूसरा बहुपद क्या है ऋण उन्नीस एक्स धन कर्णी में तीन धन सात एक्स का वर्ग। ठीक है, तो एक चीज ये हमेशा ध्यान रखना, ऐसे सवाल जिसमें ढेर सारे नंबर्स दिख रहे हैं, अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, वर्ग दिख रहा है, वर्गमूल दिख रहा है, चिन्ह दिख रहा है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि कभी कभी तो शुरुआत ही गलत हो जाता है, शुरुआत इन सेंस प्रश्न उतारने में ही आप गलती कर देते हो, फिर आगे खूब मेहनत करने के बाद आंसर मिलाओगे, पता चला यार पता नहीं कहाँ गलती है, और गलती भी ढूंढोगे तो कहाँ ढूंढोगे, जो हल की हो उसमें no. तो ढूंढोगे नहीं गलती, तो इसलिए जल्दी पकड़ में नहीं आता, इसलिए बी वेरी केयरफुल कि आपका प्रश्न सही सही उतरना चाहिए। इसके बाद मुख्य बात यहाँ क्या है, बहुपद को घटाना है। ठीक है, बहुपद को घटाना है तो पहला स्टेप आपको क्या लिखना है, जैसा दिया है बहुपद वैसा ही लिखो, सिर्फ काम क्या करना है उसको कोष्टक में लिखना है और माइनस का चिन्ह, उसको कोष्टक में लिखना है, और बीच में पिछले सवाल में हमने क्या किया था, बहुपदों को जोड़ना था, यहाँ हमने प्लस का चिन्ह लगाया था, लेकिन अब हमको बहुपदों को घटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, यही फर्क है पहला स्टेप में कि आपको घटाना है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप जो हम पिछले सवाल में किए थे वैसे ही है, बिना कोष्टक का लिखेंगे। अब चलो देखते हैं बिना कोष्टक का लिखने के लिए कुछ खास है कि बस वैसे लिखते जाना है। अब ध्यान दो, ये जो माइनस है गणित में रेड सिग्नल होता है, बी वेरी केयरफुल, ये अगर इसको आप चूक कर दिए तो एक्सीडेंट हो जाएगा इस सवाल का, तो इसलिए इसको हमेशा इज्जत दो। अगर ये चिन्ह माइनस है इसका मतलब होता है इस माइनस का गुणा जब सब में होगा तो सबका चिन्ह बदलेगा। ठीक है, मतलब माइनस का गुणा इस माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा इस प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यही आपको सावधानी रखना है, बाकी उस सवाल और इस सवाल में कोई अंतर नहीं है। यहाँ माइनस का गुणा माइनस में किए तो प्लस उन्नीस एक्स, माइनस का गुणा इस प्लस में किए तो माइनस माइनस में तीन, और इस माइनस का गुणा इस प्लस में किए तो माइनस सात एक्स का वर्ग। क्लियर? हाँ। ओके, अब इसके बाद का जो स्टेप है सेम वैसे ही चलना है जैसे आप जोड़ने की प्रक्रिया में किए थे। मतलब पहला इसके बाद का स्टेप क्या होगा, सजातीय को साथ में लिखो,
और जो बड़ा घात वाला है बेहतर होगा कि हम उसको पहले लिखें ताकि साथ में वो मानक रूप भी हमारा मेंटेन रहे। मतलब सबसे बड़ा घात भाई किधर है? दो। दो से बड़ा कोई नहीं। इसका मतलब हमें इसको लिखना है एक्स घाते दो। और इसका कोई भाई बंधु कहीं बैठा है क्या? इसको ढूंढ लाओ। एक साथ जवाब मत दो, इसे बोलने दो, ठीक है? और माइक म्यूट करके रखो। ओके, ढेर सारा माइक चालू है, म्यूट करके रखो। तो यहाँ घाते दो वाले दोनों एक साथ हो गए। अब इनका कोई भाई बंधु नहीं है इसमें। अब घाते एक वाले का नंबर लगेगा। घाते एक वाला बहुत सावधानी से ढूंढना है क्योंकि वहां घात दिखाई नहीं देता है। देखो, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है। दोनों को पकड़ करके लिखते हैं ऋण 9x धन 19x। ओके, इसके बाद घाते जीरो वाला, या जिसको हम कहते हैं अचर पद, या जिसको आप कहोगे बिना अक्षर वाला, जैसे भी ध्यान में रख सको। घाते जीरो वाला या अचर पद या बिना अक्षर वाला, और वो कौन है? कर्णी, धन कर्णी में 3 और ऋण कर्णी में 3। ओके, इसके बाद जो सजाती हैं उनका चिन्ह को आपको ध्यान देना है। चिन्ह समान है, उनके गुणांकों को जोड़ेंगे। चिन्ह अलग अलग है, उनके चिन्ह गुणांकों को घटाएंगे। और उसके बाद ध्यान क्या देना है? बड़े का चिन्ह लगाना है। हमेशा ये गलती होती है अक्सर बहुत बच्चों से, और बहुत पछतावा होता है इतनी छोटी सी गलती पे। यहाँ पे चिन्ह धन, यहाँ पे चिन्ह ऋण, चिन्ह अलग अलग है, मतलब हमें घटाना है। क्या घटाना है? गुणांक। इसका गुणांक नहीं दिख रहा है, मतलब एक है, और इसका गुणांक तो दिख ही रहा है, 7 है, तो 7 में से एक घटाओगे, 6x का वर्ग। लेकिन इसके बाद ढाई नहीं करना है, बड़े का चिन्ह लगाओ, ठीक है? हमेशा देखो, मैं एक फ्रेज बोलता हूँ, जोड़ो या घटाओ बड़े का ही चिन्ह लगाओ। ये बड़ा जो है 7 है, उसको इज्जत देना है ना भाई, नहीं तो नाराज हो जाएगा। हो रख देंगे तो वो भी खुश हो जाता है, छोटा वाला कुछ नहीं बोलेगा। अब यहाँ पे सजाती सजाती ये दोनों है, लेकिन अगेन चिन्ह अलग अलग है, इसलिए हमको क्या करना है? घटाना है। पहले इसमें से 9 घटाओगे तो 10, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह। देखो, कभी कभी ये कंफ्यूजन और होता है, घटाया तो ऋण लगाओगे, जोड़ा तो धन लगाओगे। ऐसा नहीं करना है, नहीं तो बड़ा वाला नाराज हो जाएगा, और उसको नाराज करके हम सुखी नहीं रह सकते। बड़े वाले का चिन्ह ध्यान में रखो, जोड़ने घटाने के लिए नियम है, बड़े का ही चिन्ह लगाना है। यहाँ पर अब यहाँ देखो, पिछले सवाल में एक कर्ली वाला था, एक बिना कर्ली वाला था, मतलब दो सजाती कर्ली नहीं थे, लेकिन अब ऐसा समय आ गया कि दोनों सजाती कर्ली हैं। अगर दोनों सजाती कर्ली हैं तो उनके गुणांकों को जोड़ा घटाया जा सकता है। इन अलग अलग है, मतलब घटाएंगे। यहाँ हाँ। गुणांक 1 है, यहाँ गुणांक 1 है, एक में से एक घटाएंगे तो 0। और 0 कर्णी में 3 मतलब 0। या आप ऐसे सोचो, दोनों समान है, चिन्ह अलग अलग है, आप एक शॉर्टकट बोलते हो ना, कट गया। हाँ। कट गया मतलब उसको लिखने की जरूरत नहीं। पर मेथड है, मेथड है कि चिन्ह अलग अलग है तो घटाएं, घटाने पे क्या आया? 0। और 0 का गुणा किसी में भी होता है तो 0। ये आपका अल्टीमेट आंसर हो गया। आप चाहो तो यहाँ ऐसा लिख सकते हो, धन 0 कर्णी में 3, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। बाद में अगला स्टेप आप लिख सकते हो, ऋण 6x का वर्ग धन 10x, क्योंकि 0 का गुणा किसी में भी होगा तो 0 हो जाएगा। तो आप ये स्टेप या तो मत लिखो, या लिख करके ये स्टेप आप लिखोगे तो भी चलेगा। ओके बच्चों, ये घटाने वाला सवाल था। फिर से मैं रिकैप कर रहा हूँ आपके सामने कि सबसे पहला हम लोगों ने क्या किया, घटाने की प्रक्रिया है, इसलिए दोनों बहुपद को कोष्टक में लिखने पर बीच में हमने घटाने का संबंध दिखाया माइनस, और इस वजह से
जो आगे का कोष्टक है, याद रखो पीछे का कोष्टक को कुछ नहीं होगा, वो आईजीटीज रहेगा क्योंकि उसके बाहर प्लस का साइन है, तो आईजीटीज रहेगा। लेकिन इस माइनस की वजह से जो आगे का कोष्टक है उसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। उसके बाद का इसके पुराने सवाल जैसा है कि सजातीय को हम साथ में लिखते हैं, सजातीय को हम साथ में लिखते हैं, और उसके बाद सजातीय का अगर चिन्ह अलग अलग है घटा देंगे, चिन्ह समान है तो जोड़ देंगे और बड़े का चिन्ह लगाएंगे। ओके बच्चों, इस सवाल में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हाथ खड़ा कीजिए, किसी को कोई डाउट है किसी स्टेप में तो प्लीज हाथ उठाइए ताकि मैं प्रश्न आप प्रश्न कर सको। ओके ओके वेरी गुड, मुझे यही बोलना होगा, वेरी गुड, अगर हाथ नहीं उठाए तो। आई होप सबको समझ में आ गया, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मैं इसी प्रकार का एक सवाल और ले रहा हूं, एक सवाल और ले रहा हूं, उसके बाद हम फटाक से बंद करेंगे। ओके यहां पर एक सवाल मैं अपने तरीके से बना रहा हूं आपके सामने। 4y-3 - 2y - a, ये एक बहुपद है और एक दूसरा बहुपद है 3y² - y - 5। ये दोनों बहुपदों को घटाने की प्रक्रिया करना है, तो घटाने की प्रक्रिया के लिए फिर से मैं क्लियर करना चाहूंगा कि घटाने की प्रक्रिया करना है मतलब कोष्टक को वैसे ही लिखोगे, केवल आपको ध्यान क्या देना है, इस कॉमा की जगह पर माइनस का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। यहां मैंने चरांग बदली करके एक सवाल लिखा है, तो आपको ये ध्यान देना है इस माइनस की वजह से चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, बी वेरी केयरफुल क्योंकि चिन्ह जब नहीं बदलते तो खतरा होता है। इसके बाद सजातीय को एक साथ लिखना है, लेकिन उसमें भी ध्यान क्या देना, बड़ा घात वाला पहले, यहाँ बड़ा घात वाला वाई घात 3 है, इसको लिख दिए। इसका कोई सजाती है नहीं, नहीं। छोड़ दो, अब आगे आगे सोचो, घात 3 के बाद घात 2 वाला कोई है, उसके बाद घाते 1 वाला, ये आपके सामने दो लोग हैं, फिर बिना अक्षर वाला मतलब अचर पद। अब इसके बाद सजाती को जोड़ा घटाया जा सकता है, लेकिन यहाँ इनका कोई जोड़ी वाला नहीं है तो ऐसे ही लिख दिए, लेकिन वहां ध्यान दो सजाती है और चिन्ह समान है, याद रखो चिन्ह समान है, याद रखो। कभी कभी आपको कंफ्यूजन क्या होता है, घटाने को बोला तो हम घटाएंगे, ऐसा नहीं, घटाने को बोला तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आया, उसके बाद इसका काम खत्म, ये नहीं कि हमेशा घटाते बैठो, ये घटेगा कि जुड़ेगा दोनों का चिन्ह डिसाइड करेगा, चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह, यहाँ चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा लेकिन बड़े वाले का चिन्ह। ओके ओके, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा आपको ध्यान में एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने पिछला टॉपिक का बहुपद क्या है वो समझने का प्रयास किया, उसके लिए हम लोग ने क्या देखा, चरांग का घात क्या होता है, वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या देखा, दो बहुपदों को जोड़ते कैसे है या दो बहुपदों को घटाते कैसे है। देखो तो यहाँ उदाहरण में हमने दो ही बहुपद लिया है, दो से ज्यादा भी बहुपद है तो भी सेम प्रक्रिया होगा कि जोड़ने या घटाने के लिए। पहला स्टेप क्या होगा, अगर जोड़ना है तो दोनों के बीच में धन का चिन्ह लगाएंगे कोष्टक लिख करके, घटाना है तो ऋण का चिन्ह, और उसके बाद धन होने की वजह से चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन ऋण होने की वजह से आगे वाले बहुपद के चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो सजाती है उनको साथ में लिखना है, चिन्ह समान है तो जोड़ देना है, चिन्ह अलग अलग है तो घटा देना है, लेकिन बड़े का चिन्ह लगाना है। ओके ओके वेरी गुड।
तो आपको जो एक्सरसाइज में एक दो सवाल छूट रहे हैं उसको आप करने का प्रयास करो एज ए होमवर्क, नहीं आएगा तो अगले लेक्चर में हम उसको क्लियर कर लेंगे। ओके धन्यवाद बच्चों। तो 3.1 हाँ जी वो हम आपका किसी और लेक्चर में पूरा कर लेंगे। ओके।